तो आप सबका स्वागत है हमारे नई एक्टिविटी में। ये है 11026 पुणे भुसावल एक्सप्रेस। तो हमारी करंट लोकेशन है 40 गांव जंक्शन, और सामने से कोई ट्रेन आ गई, ये है 51182 भुसावल देवलाली पैसेंजर, वो लूप लाइन में जा रही है 40 गांव स्टेशन पर। भुसावल देवलाली पैसेंजर विथ WCM लोकोमोटिव। अब आई थिंक इसका ओवरटेक होगा यहाँ पे 40 गांव जंक्शन पे। और ये एक्टिविटी मेरी खुद की बनाई हुई एक्टिविटी है, और ये रूट है खांडेश रूट। और ये एक्टिविटी मुझे रिक्वेस्ट की थी, उस भाई का नाम है अतुल इनायत, ये भाई ने एक्टिविटी मुझे रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने के लिए। तो आपकी अतुल भाई ये रही वीडियो, और आई होप आपको पसंद आए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो सामने की मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन हो चुका है, तो आई थिंक हाँ ट्रेन आ भी गई ये देवलाली पैसेंजर को ओवरटेक करने के लिए। और अभी हम 40 गांव जंक्शन पे है, और अभी हमें जाना है भुसावल जंक्शन की तरफ। तो ब्रेक को थोड़ा रिलीज कर लेते हैं, और क्योंकि जाने का टाइम भी हो चुका है तो अब हॉर्न बजा देते हैं। और सामने से कोई डीजल लोकोमोटिव ये ओवरटेक कर रही है जो ट्रेन, ये है 22038 गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस वाया अलाहाबाद विथ WDP 4D। तो ये WDP 4D के साथ जा रही है ट्रेन। तो चलो अब हमने हॉर्न तो बजा दिया, अब चलते हैं ब्रेक इनिलाइज करके। और ये देवलाली पैसेंजर की ओवरटेक हो गई यहाँ पे 40 गांव जंक्शन पे। और ये ओवरटेक खाने के बाद ये भुसावल देवलाली पैसेंजर भी निकल गई। तो मैं एक बार दिखा दूँ, आज हमें जो लोकोमोटिव मिला है वो है भुसावल सीड का WAG 5D। तो आज हमें कुछ अलग लोकोमोटिव मिला है, आई थिंक ऑफ लिंक है ये, तो चलो नहीं तो इसे WAP 4 ही खींचता था जिसका रेगुलर लिंक है, पर वो अवेलेबल नहीं था। तो आज हमें ऑफ लिंक थमा दिया गया है यहाँ पर। तो आज हमें जो लोकोमोटिव लीड करेगा वो है भुसावल सेट का WAG 5D। और हमारे बाजू में कोई WAC 7 के साथ कोई ट्रेन खड़ी है जिसे हम ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये हम 40 गांव जंक्शन से निकलते हुए, तो अच्छी स्पीड में अब हम जर्नी करेंगे आगे। तो चलो अब हॉर्न बजा कर थोड़ा एक्सलेट करते हैं, जो कि ये लोकोमोटिव में इतनी कुछ खास पावर नहीं है एक्सलेट दिखाने की, पर बहुत ही बढ़िया ये एक्सलेट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया ये एक्सलेट करेगा। क्योंकि ये गुड लोकोमोटिव आज एक पैसेंजर ट्रेन को थमा दिया गया है, तो मज़ा तो आने ही वाला है पूरा का पूरा। और ये आज थोड़ी लाइट जर्नी फिर से होने वाली है, और देखते हैं। ये हम 40 गांव जंक्शन से निकलते हुए, ये हमारा 40 गांव जंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा काजगांव, जहाँ हमें 8:04 पर पहुँचना है। तो अभी 15.5 किलोमीटर लेफ्ट है, तो नहीं पहुँच पाएंगे इतने टाइम में। तो ट्राई करेंगे जितनी जल्द हम पहुंच सके उतनी जल्दी पहुंचने का। तो अब देखते हैं आगे कौन कौन सी ट्रेन हमें क्रॉस करती है, और
ओवरटेक होता है या नहीं, कोई ट्रेन करती है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। ये मेरी खुद की बनाई हुई एक्टिविटी है, तो आई होप आपको पसंद आएगी ये एक्टिविटी। और अब थोड़ा टोटल को कम करने की बारी आ गई है, 45% टोटल से भी मुझे पूरा रिलीज ही करना पड़ेगा टोटल, क्योंकि हम डाउन ग्रेडियन जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया स्पीड है हमारी यहाँ पर। तो चलो अब ये कोई ब्रिज से हम होके जा रहे हैं, ख़त्म हो गया ये ब्रिज। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा अपकमिंग नॉन स्टॉप स्टेशन कौन सा होगा। तो आज तो बहुत ही नाइट जर्नी हो चुकी है, जो 22221 में भी पूरी नाइट जर्नी हो चुकी है और इसमें भी। तो ये एक मुझे नई सीरीज़ भी चालू करनी थी, तो मैंने ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए जो बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वो राजधानी एक्सप्रेस का एक्ट पूरा करते करते मुझे तकरीबन एक हफ्ता तो लगने ही वाला है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहता मेरे सब्सक्राइबर को। तो मैंने अलग से उनके लिए एक्ट बनाकर खेलना चालू कर दिया। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिन की दो वीडियो मिल पाए, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा कर दूं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्रेन। कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक कम होने की वजह से मैं नहीं खेलता हूँ एक्ट, या क्या होता है कि रूट अवेलेबल नहीं होता तो मैं नहीं खेल पाता। तो पढ़ता हूँ तो सभी की कमेंट, और देखते हैं सामने से आई थिंक कोई ट्रेन आ रही है, ग्रीन हो चुके हैं सिग्नल, तो देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। यह है 11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस विद WAP4 भुसावल सेड का, WAP4 महाराष्ट्र एक्सप्रेस के साथ बहुत ही बढ़िया स्पीड में जाती हुई 40 गाँव जंक्शन की तरफ। तो ये हमारी आई थिंक तीसरी क्रॉसिंग है, पहले देवलाली पैसेंजर, फिर वो WDP4D के साथ एक्सप्रेस ट्रेन, और ये बाद में महाराष्ट्र एक्सप्रेस। तो बातों बातों में हमारी स्पीड बहुत ही बढ़ गई, तो मैं पूरा टोटल रिलीज कर देता हूँ। तो डाउन ग्रेडियन जाने की वजह से हमारी स्पीड बढ़ चुकी थी, अब अपने चलते हैं। आई थिंक कोई मालगाड़ी खड़ी है लूप लाइन पे, देखते हैं कौन सा स्टेशन है। यह वागली स्टेशन, जहाँ पे WDG4 को बॉक्सर एचएल ब्रेक के साथ लूप लाइन में डाल दिया गया है। आई थिंक इसका ओवरटेक महाराष्ट्र एक्सप्रेस ने किया होगा, और कोई भी पैसेंजर ट्रेन पीछे आ रही होगी वो भी करेगी इसका ओवरटेक। बहुत ही लॉन्ग और नाइट जर्नी होने वाली है, ये हमारे आसमान में सितारे निकल आए हैं। तो अब थोड़ा टोटल देना पड़ेगा, 45% तक टोटल कर देता हूँ। तो 7.2 किलोमीटर अभी भी काजगांव स्टेशन यहाँ से लेफ्ट है, तो बहुत ही बढ़िया हमने एक्सेलेरेट किया अपने ट्रेन को, और अभी भी डाउन ग्रेडियन चालू है, तो थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी हमें ट्रैक मॉनिटर पे। तो 6.6 किलोमीटर लेफ्ट यहाँ से काजगांव,
और ये गन्ने के खेत यहाँ पे, और एफपीएस देख लेते हैं कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ से 110 के ऊपर निकल गए एफपीएस, 110 के आगे बाजे। मैं थोड़ा इसको यहाँ ले लेता हूँ आपको भी एफपीएस देखने को मिले। ये 100 हो गया अभी, तो देखते हैं। अब आई थिंक सामने से कोई ट्रेन आ गई, देखते हैं कौन सी ट्रेन है जो हमें क्रॉस करेगी। ये है 11058 अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस विथ तुगलाबाद वेब 7। तो बहुत ही फास्ट स्पीड में जा रही है वेब 7 के साथ, अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस विथ तुगलाबाद वेब 7। तो हमें अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे क्या है, पीछे हमारे राजधानी एक्सप्रेस चल रही है और आगे जो भी कोई स्टेशन है वहाँ पे लूप लाइन खाली नहीं है। तो इसलिए जब तक वो हमें ओवरटेक नहीं कर लेती, जब तक हमें हमारे लिए कहीं लूप लाइन खाली नहीं होती, तब तक हमें अच्छी स्पीड मेंटेन करनी होगी, क्योंकि आगे कहीं लूप लाइन खाली नहीं है। तो राजधानी एक्सप्रेस जो 22221 है वो हमारे पीछे चल रही है, तो वो भी थोड़ी सी लेट है इसलिए वो हमारे पीछे चल रही है लेट होने की वजह से। और आगे कहीं कोई भी स्टेशन पर लूप लाइन पे जगह खाली नहीं है, सभी जगह कोई ना कोई ट्रेन को खड़ा कर दिया गया है। तो जब भी कोई भी स्टेशन पे लूप लाइन खाली होगी वहाँ पे हमें लूप लाइन पे डाल दिया जाएगा, बाद में वो ट्रेन ओवरटेक करेगी। अब देखते हैं कहाँ पे हमारी ओवरटेक के चांसेस बनते हैं। तो मैंने टोटल पूरा रिलीज कर दिया, क्योंकि अब स्टेशन भी पास में आ रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लगा दूँ, क्योंकि अप्रोच सिग्नल तो हमने क्रॉस कर लिया, तो थोड़ा सा हम ब्रेक लगा लेते हैं। तो अपोजिट लाइन का फिर से सिग्नल ग्रीन होता हुआ, और आई थिंक कोई ट्रेन हमें अप्रोच करने ही वाली होगी। देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें अप्रोच करती है नेक्स्ट, वो अमृतसर मुंबई के बाद। देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेन चल रही है। तो बहुत सारी ट्रेन चल रही है, तो अब ब्रेक को यूटिलाइज कर लेते हैं और काजगांव स्टेशन पर हम पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में हम काजगांव स्टेशन को अप्रोच करेंगे, क्योंकि आगे हमें अपने सिग्नल मिल रखा है, तो थोड़ी सी स्पीड को हम रिड्यूस कर लिए हमने, ताकि हम आराम से स्टेशन पर पहुंच जाए। ये है हमारा अप्रोच सिग्नल। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि इस तरफ जरा भी सीनरी नहीं है, इन फ्यूचर बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो अभी ये सीनरी से कंप्लीट सेक्शन नहीं है, 40 गांव से भूसाल तक, तो बहुत ही जल्द यहाँ पे अपडेट दी जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीनरी आ जाएगी, कुछ ना कुछ में बहुत, जब खंडेश में सीनरी अपडेट आती है तो बहुत सारी सीनरी ऐड हो जाती है। और हमारे दोनों तरफ कोई ट्रेन खड़ी है, देखते हैं ये कोई ट्रेन खड़ी है काजगांव स्टेशन पे विथ WFE4। और हमारे बाजू में देखते हैं कौन सी ट्रेन खड़ी है, ये है कॉन्कोर के साथ, कॉन्कोर खड़ी है हमारे इस साइड और इस साइड कोई वेब फोर्स के साथ, कोई इटासी वेब फोर्स के साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है काजगांव स्टेशन पर। तो ब्रेक लगाते हैं, काजगांव स्टेशन को हमने अप्रोच कर ही दिया है,
आई थिंक हमारी पूरी ट्रेन नहीं आएगी काजगांव स्टेशन पर, क्योंकि बहुत ही छोटा प्लेटफॉर्म है। तो अब ब्रेक लगाने पड़ेंगे, बहुत ही सिग्नल के पास आ चुके हैं हम, तो हमें ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। और ये हमने ब्रेक्स लगा दिए, मैं थोड़ी देर बंद करके देखते हैं अपने यहाँ से। तो चलते हैं, अपने जाने का टाइम तो हो ही गया चुका है, और सिग्नल देख लेते हैं, हमें मिल गया सिग्नल तो चलते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 मिनट लेट अराइवल किया काजगांव पे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम था हमें काजगांव स्टेशन पे पहुँचने के लिए, का बहुत ही कम टाइम दिया हुआ था। तो अब फटाक से अपने ट्रेन को एक्सेलेरेट करते हैं, और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा पाचोरा जंक्शन, जो यहाँ से 23.9 किलोमीटर है। तो ये देखते हैं ये कॉन्कोर किस लोकोमोटिव के साथ खड़ी है। तो यहाँ पर भी लूप लाइन खाली नहीं है, तो हमें लूप लाइन पे नहीं डाला गया है। और पीछे हमारी राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, वो आई थिंक यहाँ से तो नहीं दिख रही, और वो हमारी ओवरटेक ज़रूर करेगी राजधानी एक्सप्रेस। और ये WAG5 के साथ ये कॉन्कोर खड़ी हुई है, जिसे हम ओवरटेक कर रहे हैं काजगांव स्टेशन पे। तो ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, काजगांव सिटी बहुत ही बढ़िया बनाई हुई बाय मिस्टर रमेश महाजन जी। और अगर आपको ये रूट ख़रीदना हो तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके ख़रीद सकते हो। मैं उनका मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको रूट ख़रीदना हो तो कांटेक्ट कर सकते हो आप उनसे। और ये रूट फ्री नहीं है, आपको इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से रूट की कीमत के हिसाब से आपके पैसे कुछ पूरे वसूल हैं, कुछ गलत नहीं जाते, क्योंकि बहुत ही सारे सेक्शन इसमें कवर है, बहुत सारे स्टेशन हैं। तो अब अपनी ट्रेन की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारा WG5 भी बहुत ही बढ़िया एक्सीलेट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया मुझे पसंद आया ये लोकोमोटिव। काफ़ी लैग होती हुई, आई थिंक कोई ट्रेन हमें अप्रोच करने ही वाली है। आप एक बार फिर से इंजॉय करना गेम के साउंड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो चुकी है। तो मैं फिर से बाद में करता हूँ रेल प्लानिंग, पहले थोड़ी स्पीड को कंट्रोल में ले लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीड हो चुकी है। और ये हमारे इमरजेंसी ब्रेक कैसे लग गए पता नहीं। पता नहीं हमारी इमरजेंसी ब्रेक कैसे लग गए। तो चलते हैं फिर से, आई डोंट नो वाई हमारी इमरजेंसी ब्रेक, मैंने तो बैक स्पेस दबाए भी नहीं तो भी हमारी इमरजेंसी ब्रेक लग गए। आई थिंक हमारी स्पीड ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इमरजेंसी ब्रेक ऑटोमेटिकली ही लग गए। आई थिंक ये WAG5D का कोई फीचर्स होगा कि ज़्यादा लोकोमोटिव ओवर स्पीड करे तो इमरजेंसी ब्रेक लग जाते होंगे। तो अब एक्सेलेरेट करते हैं अपने ट्रेन को फटाक से, क्योंकि हमारे पीछे राजधानी एक्सप्रेस भी चल रही है। आई थिंक आप लाइट्स देख सकते हो राजधानी एक्सप्रेस की यहाँ से, अगर आप बड़ी स्क्रीन में देख रहे हो वीडियो तो ज़रूर आपको दिखेगी। तो हमारे एकदम पीछे ही चल रही है वो राजधानी एक्सप्रेस। तो अब चलते हैं अपने आगे पैसेंजर व्यू में, अपने SLR कोच को छोड़कर, क्योंकि ओवर स्पीड की वजह से हमारे आई थिंक इमरजेंसी ब्रेक लग गए थे।
तो पाचोरा जंक्शन यहाँ से 20.6 किलोमीटर लेफ्ट है और वहाँ 8:28 पर हमें पाचोरा जंक्शन पे पहुँचना है और हमारा वहाँ से डिपार्टिंग का टाइम है 8:30। वहाँ से डिपार्टिंग का टाइम रहेगा पाचोरा जंक्शन से। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम पाचोरा जंक्शन पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे हमारे राजधानी एक्सप्रेस भी चल रही है। 45% में टोटल रख देता हूँ तो बस स्पीड मेंटेन हो जाए, क्योंकि वो राजधानी ऑलरेडी लेट है तो उसे ज़्यादा लेट नहीं कराना चाहिए हमें। पर क्या करें, आगे कोई स्टेशन पे लूप लाइन भी खाली नहीं है, ये स्टेशन पर भी देख लेते हैं कि लूप लाइन खाली है या नहीं। तो पहले इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ पे सामने की तरफ खाली है पर वहाँ सामने कोई लूप लाइन है ही नहीं और इस तरफ भी नहीं है। और ये नागर डेवला स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं तो ये नागर डेवला स्टेशन पे कोई भी लूप लाइन नहीं है और पाचोरा जंक्शन यहाँ से बहुत ही जल्द पहुँचना पड़ेगा। तो सिग्नल हो चुका है ग्रीन, तो आई थिंक कोई ट्रेन आने ही वाली होगी। तो 17.5 किलोमीटर लेफ्ट यहाँ से पाचोरा जंक्शन, तो सिग्नल तो हमें पूरे के पूरे ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारी स्पीड 110 से ऊपर जा रही थी तो मैंने थोड़ा थ्रॉटल क्लोज कर दिया, कि भले ही हमारे पीछे राजधानी एक्सप्रेस चल रही हो पर हम ओवर स्पीड नहीं कर सकते। और ये बहुत ही बढ़िया, कोई जेसीबी खड़ा था नीचे नदी में और आई थिंक साफ सफाई कर रहा था, तो हमने बहुत ही बढ़िया ये ब्रिज से निकल गए। चलो फटाफट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, यानी कि ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी जर्नी बहुत लंबी है। मैं आपको एक बार टाइम टेबल दिखा दूँ, 40 गाँव से हम 8:52 पर पहुँचे थे और 7:55 पर हमने 55 मिनट पर डिपार्ट करने का टाइम था और फिर काजगाँव 8:04 में पहुंचना था पर वहाँ पे हम 4 मिनट लेट हो गए और 8:08 पर पहुँचे और वहाँ से हमारा डिपार्टिंग का टाइम था 8:05 पर। वहाँ से भी हमने लेट आए थे तो लेट डिपार्ट किया 8:09 पर और पाचोरा जंक्शन हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा, वहाँ पे हमें 8:28 पर पहुँचना है और 8:30 पर हमारा डिपार्टिंग टाइम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अपन जो का जलगांव जंक्शन, जहाँ पे 9:03 को पहुँचना है और 9:05 पे डिपार्ट करना है और हमारी डेस्टिनेशन होगी भूसाल जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4, और जहाँ वहाँ पर हमें पहुँचना है 9:50 पर। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम पहुँच पाते हैं। बहुत देर हो गई कोई ट्रैफिक ट्रेन को आए हुए, आई होप जल्दी से हमें अप्रोच कर दे, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक ट्रेन तो मैंने लगाई हुई थी तो कहाँ गई ये सब ट्रैफिक ट्रेन, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ है सब ट्रैफिक ट्रेन। मैं हल्का सा ट्रैक साउंड कम कर रहा हूँ तो इतना आई थिंक सही होगा ये ट्रैक साउंड इतना आपके लिए, तो आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे। तो ये हमारी ट्रेन हल्का सा क्लाइम कर रही है तो थोड़ा सा हम थ्रॉटल को खोल देते हैं और आई थिंक कोई ट्रेन हमें अप्रोच करने वाली थी वो है, क्योंकि हल्का सा हमारा गेम लैग हुआ
और सिग्नल ऑपोजिट लाइन का ग्रीन है, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें अप्रोच करती है। तो ये हल्का सा हमारी ट्रेन कर लेगी यहाँ पे, और आई थिंक कोई स्टेशन को भी हम अप्रोच करेंगे। तो देखते हैं कौन सा स्टेशन है जो हम अप्रोच करने वाले हैं नेक्स्ट। तो ये गलत स्टेशन जो हम अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं लूप लाइन है या नहीं, और है तो कौन सी ट्रेन खड़ी है वहाँ पे लूप लाइन पे। और ऑपोजिट लाइन की लूप लाइन तो खाली है, और देख लेते हैं हमारे साइड लूप लाइन है वो भी आई थिंक खाली ही है, पर आई डोंट नो आई क्यों हमें यहाँ गलन स्टेशन पे लूप लाइन में नहीं डाला गया। नहीं, गलन स्टेशन पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है, इसलिए आई थिंक हमें लूप लाइन पे नहीं डाला गया यहाँ गलन स्टेशन पे। बॉक्सर एचएल है जिसे हम ओवरटेक कर रहे हैं, तो आई थिंक हम इसके पीछे आ जाते ये लूप लाइन में पिट, पर पता नहीं क्यों तो हम भी लेट हो जाते। आई थिंक कोई नज़दीक में कोई लूप लाइन खाली होगी, और ये बॉक्सर एचएल है WDG4D के साथ, तो इस तरफ चल लेते हैं कहीं हम हमारा ट्रैफिक मिस ना कर दें। और सिग्नल है ग्रीन, तो आई होप जल्दी से कोई ट्रेन हमें अप्रोच करे। और यहाँ से पाचोरा जंक्शन है 8.6 किलोमीटर लेफ्ट, तो पाचोरा जंक्शन हम आई थिंक पहुँच ही जाएंगे टाइम पर। अभी 8 तकरीबन 7 मिनट लेफ्ट है पाचोरा जंक्शन पहुँचने के लिए, और 7.7 किलोमीटर लेफ्ट है, तो चलेंगे ही हम अपनी स्पीड में पाचोरा जंक्शन पहुँचेंगे। देख लेते हैं ऑपोजिट लाइन का सिग्नल स्टेटस है ग्रीन, पर आई डोंट नो आई क्यों हमें ट्रेन अप्रोच नहीं कर रही। थिंक कहीं कहीं हमारी ट्रेन रुक गई होगी, इसलिए यानी कि ये टाइम पे कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, तो आएगी आगे जाके बहुत सारी ट्रेन आने वाली है बैक टू बैक। अब पाचोरा जंक्शन है तकरीबन 6 किलोमीटर लेफ्ट, तो हम अभी क्लाइंब कर रही है हमारी ट्रेन, तो हमें थोड़ी और पावर चाहिएगी ट्रेन को खींचने के लिए लोकोमोटिव को। तो थोड़ा मैंने थ्रॉटल खोल दिया और कर्व भी ले रहा है हमारा लोकोमोटिव। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ट्रैक मॉनिटर में के पाचोरा जंक्शन के हमें लूप लाइन पे डाल दिया गया है, तो आई थिंक वहाँ पे ओवरटेक होगा हमारा, और सामने से कोई ट्रेन भी आ गई। ये ड्यूल WAG5 के साथ, ड्यूल WAG5 के साथ BCNA जा रही है पाचोरा जंक्शन की तरफ, तो मैं थोड़ा वो ट्रेन में घुस गया था, तो आप देख सकते हो ये BCNA आ चुकी है। अब देखते हैं कौन सी ट्रेन आती है। तो पहले मैं डोर भी बराबर से सेट कर लेता हूँ, तो ये सही है, ये एंगल सही रहेगा हमें जर्नी के लिए।
तो सिग्नल स्टेटस है रेड, तो अभी तो आई थिंक कोई ट्रेन नहीं आएगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।